So hello guys, welcome back to my channel. This is your Sizzle and I hope you all are good. So आप देख रहे हैं DIY green tea toner. ये मैंने घर पर बनाया है ग्रीन टी टोनर एंड मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 month से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड सीरियसली जो इसका रिजल्ट आया है बहुत ही लाजवाब. तो मैं डेफिनेटली इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ एंड ये बहुत ही ईजी है बनाना. इसे क्या क्या यूजेज है, क्या बेनिफिट्स है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. फिलहाल आप इस वीडियो में इसकी DIY रेसिपी देखिए कि आपको कैसे बनाना है इसे घर पर. बहुत ही आसान है और एक कमाल का जो है असर करेगा आपके लिए. ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एक्ने प्रॉन स्किन के लिए. तो जो भी है बनाकर रख लीजिए इसे, ताकि जब मैं इसके यूजेस बताऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो. तो चलिए आइए हम रेसिपी देखते हैं. सो आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं. मेरे पास ये हिमालय की ग्रीन टी है, ठीक है. और मेरे पास जो है टी बैग है. अगर आपके पास ओपन ग्रीन टी है देन आप वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जस्ट आपको उसको गर्म पानी में 15 मिनट्स के लिए छोड़कर एंड देन आप उसे स्ट्रेन कर लीजिएगा. और मैं यहाँ पर ये टी बैग लूँगी, मैं गर्म पानी करूँगी. चाहे आप माइक्रोवेव में पानी गर्म कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप गैस के ऊपर कर सकते हैं. जब आपको लगे कि पानी जो है अच्छे से पूरी तरह बॉयल हो चुका है देन आप गैस को ऑफ करके उसके बाद जो है उसमें टी बैग डाल दीजिए. जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है, मैं कहूँगी इसे थोड़ी कम क्वांटिटी में ही बनाई, लाइक फॉर 15 डेज और 1 month, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा, ठीक है. देन आपको गर्म पानी करके इसको छोड़ देना है उसमें 15 मिनट के लिए. देन उसके बाद ये प्रॉपरली आपका रेडी हो जाएगा, ठंडा करके स्ट्रेन कर दीजिएगा. तो आप ये देखिए उसके बाद जो आपका टोनर ये ऐसा बन के निकलेगा. एंड देन इसे आप प्रिजर्व करने के लिए आप इसमें जो है असेंशियल ऑयल डाल सकते हैं. आप इसमें टी ट्री असेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, लेवेंडर असेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, अगर आपको ग्रीन टी की जो इस तरह से स्मेल है वो ना अच्छी लगे. और इसे थोड़ा और ज्यादा गुडनेस क्रिएट करने के लिए तो आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल भी डाल सकते हैं. तो चलिए हम वो कैप्सूल डालते हैं अब इसमें. तो आपको जो विटामिन ई कैप्सूल है वो इजीली केमिस्ट की शॉप से मिल जाएंगे. एंड आप विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हैं जो बॉटल में आता है. तो बट मेरे पास यहाँ पे जो फेशियल्स में हम विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करते हैं वो है, तो मैं एक डाल रही हूँ. इससे गुडनेस और बढ़ जाएगी. और कुछ ग्लिसरिन वगैरह आपको डालने की और कुछ ज़रूरत नहीं है, इसके जो गुडनेस है अपने आप में ही काफ़ी है. देन आप इसे बॉटल में डाल लीजिए. तो ये देखिए इस तरह आप इसे बॉटल में रख के, मैं कहूँगी थोड़ा फ्रिज में आप रखें जब आप इसे यूज़ नहीं कर रहे. आप ठंडा डालेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी रहेगा. अब मैं आपको डालकर दिखाती हूँ. देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे ये टोनर काम करेगा और बहुत ही अच्छी एक शाइन आएगी आपके फेस पर. बाकी इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स के ऊपर आपको जो वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा. आई होप कि आपको मेरा शॉर्ट सा DIY बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाएं एंड मेरे साथ जो अपने एक्सपीरियंसेज हैं वो शेयर करें. एंड नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए आप नोटिफाइड रहें. थैंक यू सो मच.